नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको प्लॉट खरीदने के बारे में बताना चाहूँगा कि आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं और उसके अंदर आप फैक्ट्री लगाने का विचार है तो किस प्रकार की आपको लैंड खरीदनी चाहिए। होता क्या है, बहुत सारी जगह देखने में आता है कि रोड तो बिल्कुल सीधी होती है लेकिन जो प्लॉट है वो तिरछे कटे हुए होते हैं। प्लॉट तिरछे कटे हुए कभी नहीं होते। आप नोट कीजिएगा, जितनी भी एग्रीकल्चर लैंड है जब उनके बीच में से रोड जाती है, अगर रोड तिरछी गई है तो जो फ्रंट के लेफ्ट और राइट के जितने भी अपना प्लॉट होंगे, लैंड होगी, वो हमेशा ही टेपर में होगी और अंदर के जो प्लॉट है वो बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो हमेशा हमें प्लॉट खरीदते समय किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं कल विज़िट करके आया और वहाँ पर क्लाइंट ने फैक्ट्री लगाने के लिए जगह लेनी थी और उन्होंने जो मेरे को जगह दिखाई, लगभग 6-7 साइट्स उन्होंने मुझे दिखाई, उनमें से सिलेक्ट करनी थी। लेकिन जिस रोड पर वो साइट दिखा रहे थे उसमें समस्या क्या थी कि जो प्लॉट है वो सारे ही फ्रंट से तिरछे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो उसमें है क्या, ये एक रोड है, ये रोड तो बिल्कुल सीधी कटी हुई है। हमेशा ही जब भी किसी भी प्लॉट की डायरेक्शन देखी जाती है तो वो प्लॉट के अंदर खड़े होकर, सेंटर में खड़े होकर बाहर की ओर देखते हैं। जब सेंटर में खड़े होते हैं और हम बाहर की ओर प्लॉट को देखते हैं, उसकी डायरेक्शन देखते हैं, तो हमें जब पता चलता है तो जो सामने डायरेक्शन आती है वो डायरेक्शन हमारे प्लॉट की डायरेक्शन बनती है। अब हम अंदर खड़े और बाहर देख रहे हैं तो उस प्लॉट की जो डायरेक्शन आ रही थी वो वेस्ट आ रही थी। क्या आ रही थी, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा आ रही थी। अब हम बाहर खड़े होकर, यहाँ खड़े होकर डायरेक्शन देखते हैं तो ये डायरेक्शन सारी की सारी हमारी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये रोड घूमी हुई है। इसमें है क्या, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है और नॉर्थ वेस्ट 0 डिग्री है। तो इसलिए हमेशा जब भी किसी भी प्लॉट की डायरेक्शन देखनी होती है तो प्लॉट के अंदर खड़े हुए और बाहर की ओर देखें। आपकी बाहर की दीवार तिरछी है तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा आपका बढ़ा हुआ है। वैसे तो देखने से ही पता चल जाता है एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी है। हमेशा ही अंदर खड़े होकर बाहर की ओर देखते हुए प्लॉट की दिशा को चेक किया जाता है। अब इसमें जो ये प्लॉट है वेस्ट फेसिंग है, इसमें साउथ वेस्ट का एरिया एक्सटेंड है। अब इसके अपोजिट हम बात करते हैं। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, अब इसी रोड पे सामने वाले प्लॉट कैसे होंगे। इसी रोड पे ये सामने वाले जो प्लॉट बनते हैं, मान लीजिए ये प्लॉट है सामने वाले, तो ऐसे प्लॉट में जब हम अंदर खड़े होकर डायरेक्शन चेक करते हैं, यहाँ हम अंदर खड़े हो जाते हैं और फ्रंट की ओर देखते हैं, तो फ्रंट की ओर देखने में जो हमारी सामने पोर्शन आता है वो क्या आता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऐसे में इस प्लॉट का जो एरिया बढ़ता है वो एरिया बढ़ता है नॉर्थ ईस्ट का। इसी रोड पर एक एरिया कौन सा बढ़ता है सामने वालों का, साउथ वेस्ट का, और अपोजिट वालों का नॉर्थ ईस्ट का। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें जब भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो उसकी जो डायरेक्शन देखी जाती है, अंदर खड़े होकर बाहर की ओर देखते हुए ही दिशाओं को देखा जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ जगह ऐसी भी होती है जिसमें चारों भुजाएं आगे पीछे की ओर भागी हुई होती है, तो उसमें हमें एक दीवार को बेस मानना पड़ता है। इस प्रकार प्लॉट की दिशाओं को चेक किया जाता है। आप कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं और उसमें रोड सीधी कटी हुई है, कहने के लिए तो रोड बिल्कुल सीधी है लेकिन वो रोड कंप्लीट तिरछी कटी हुई है और उसमें जो फ्रंट के जितने भी प्लॉट हैं वो सारे ही घटते और बढ़ते हैं। अब इसमें इसी के साथ लगता हुआ कोई प्लॉट है तो देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। अब ये मान लीजिएगा इसी के साथ ये रोड आगे जा रही है और इसी के साथ लगता हुआ दूसरा प्लॉट है ये, तो इसका भी कौन सा एरिया बढ़ेगा, साउथ वेस्ट का एरिया बढ़ेगा। और इसी के साथ इधर लगते हुए जितने भी इस रोड से अपोजिट साइड है, यानी ईस्ट फेसिंग जितने भी प्लॉट बनते हैं, वो सभी प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट एरिया एक्सटेंड होंगे, चाहे वो इधर है
चाहे इधर है, उसका नॉर्थ ईस्ट डिग्री, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर 90 डिग्री माइनस होगा, यहाँ पर भी ये 90 डिग्री माइनस होगा। इसमें अपोजिट वाले में जिसका साउथ वेस्ट का एरिया बढ़ा है, ये 90 डिग्री लेस होगा। तो जहाँ जैसी भी रोड है उसके हिसाब से जो भी प्लॉट कटते हैं, क्योंकि हमेशा रोड के हिसाब से ही प्लॉट काटे जाते हैं, जब भी प्लॉट कटते हैं यानी बनाए जाते हैं, तो उसके हिसाब से सारी ही दिशाएं बदल जाती है। लेकिन प्लॉट की जब भी दिशा को चेक किया जाता है तो प्लॉट के अंदर खड़े होकर बाहर की ओर देखते हुए ही प्लॉट की डायरेक्शंस को चेक किया जाता है। मेरी ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आप कोई भी लैंड खरीदने जाते हैं तो उसमें डायरेक्शंस किस प्रकार से देखी जाती है, आप इस प्रकार से अपनी डायरेक्शन चेक करके अपने एरिया को चेक कर सकते हैं कि उसमें कौन सी दिशा घटी हुई है और कौन सी दिशा बढ़ी हुई है। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति मेरे से ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे से ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। आप अपना मैप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट के लिए हमें साइट विजिट पर इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।